ये घर है या मकान है, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? और आप ही है ना जिन्होंने इन्हें काम करने से मना कर दिया था, तो फिर ले जाइए इन्हें, उठाइए इनकी जिम्मेदारी। और आप यही कह रहे हैं ना, ये घर हम में से किसी का है ही नहीं, केवल इनका है, जैसे यहां की ईंट ईंट पर इनका नाम लिखा हो। यहां पर ऐसा एक भी सबूत नहीं है जो ये सिद्ध कर सके कि ये घर इनका है, रोहिणी देवी का। आप हमें ऐसा एक भी सबूत दिखा दीजिए, फिर ये कागजात हम खुद फाड़ कर फेंक देंगे। क्यों लक्ष्मीकांत? क्या कर रहे हैं साई आप? धोखा कर रहे हैं हमारे साथ? भ्रम, भ्रम पैदा कर रहे हैं? भ्रम नहीं, हकीकत है, सच्चाई है ये। तुम्हारे माता पिता ने बहुत मेहनत से अपने खून पसीने की कमाई से बनाया है ये घर। इसकी एक एक ईंट इन्होंने मिलकर लगाई है, और आज जब आपके पिता इस संसार में नहीं है, तो यह घर सिर्फ आपकी मां का है। तुम इस पर दावा नहीं कर सकते। दादा, हम क्यों इनका भाषण सुन रहे हैं? ईंट पर किसी का भी नाम लिखा हो, क्या फर्क पड़ता है? कागजात पर तो अंगूठा लग चुका है ना।
सच। दिखाई नहीं देता आपको? देखिए देखिए, मुझे देखने की जरूरत नहीं है, पर हां मेरे विचार से एक बार आप लोग जरूर देख लीजिए। के लिए बुलाया और आप आ गए। ये सब क्या है? असली कागजात कहां गए? ये सब इसकी करतूत है ना, इस मायावी की, इस ढोंगी की। आपने मुझे मारा? हाँ, लेकिन मारने में बहुत देर कर दी। और अब तुम लोगों में से किसी ने भी साई को कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं भूल जाऊंगी कि मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता भी है। और सच तो यह है कि तुम लोग इतने गिरे हुए हो, इस साई का नाम लेने के काबिल भी नहीं हो। और आज अगर तुम इस बदतमीजी पर उतर आए हो तो उसकी जिम्मेदार मैं हूं। उस दिन द्वारका माई में जब आपने निराली को समझाया था तो मैंने आपकी बातें सुनी थी, लेकिन समझ आ जाई है। तुम लोग ये कहना चाहते हो कि पंछियों की माँ उन्हें जो सिखाती है वो कोई और नहीं सिखा सकता। ठीक इसी तरह जब तुम्हारी माँ तुम्हें डांटती है तो वो भी तुम्हें कुछ सिखा रही होती है। सिखा रही होती है कि जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। पर सिखाने के बीच में अगर वो तुम्हें डांट दे या तुम्हारे घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दे तो वो भी केवल इसलिए ताकि तुम्हें याद रहे कि तुमने क्या गलत किया था। लाड़ प्यार तो पड़ोसी भी दिखा सकते हैं, लेकिन माता पिता, माता पिता हमें गलत से सही की ओर ले जाते हैं। बचपन में जब तुम्हारे पिता जब तुम्हारी गलतियों के लिए तुम्हें डांटने की कोशिश करते थे तो मैं तुम लोगों को बचा लेती थी, तुम्हारी गलतियां छुपाया करती थी, तुम्हें वो सब करने दिया जो तुम करना चाहते थे, चाहे वो सही हो या गलत। अगर उस समय मैंने तुम्हें एक थप्पड़ मारा होता तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। तो कौन सा एहसान किया आपने? आप खुद को महान मत समझिए। हर माँ अपने संतान की रक्षा करती है, माँ का कर्तव्य है ये। और संतान
क्या संतान का कोई कर्तव्य नहीं, कोई जिम्मेदारी, कोई दायित्व, कोई फर्ज नहीं है? क्या ये संतान की जिम्मेदारी नहीं है कि अपने माँ बाप का ख्याल रखे, उनकी सेवा करे, बूढ़े हो जाने पर उनका सहारा बने? तुम लोगों को पता भी है, जब तुमने माँ जी को घर से निकाल दिया, दर दर भटकने के लिए उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया था, तो उन्होंने किन किन कठिनाइयों का, किन किन मुश्किलों का सामना करा है, सोच भी नहीं सकते तुम। मुश्किलों का सामना हमें सब पता है, बहुत खुशी से रह रही थी वो सीढ़ी में। द्वारका माई पहुंचने से पहले माँ जी ने बहुत दुख उठाए हैं, दर दर भटकी है वो। माँ जी तो कभी तुम्हें बताने से रही, और अगर बताएंगी भी तो तुम जैसे लोगों को विश्वास नहीं होगा। मैं तुम्हें उनकी मुश्किलों का एहसास कराता हूं। क्या आपके बेटों ने आपको घर से निकाल दिया? मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत किया था। आंखों की रोशनी जाने के बाद मैं पूरी तरह उन पर बोझ बन चुकी थी। आप इतनी तकलीफ से गुजरी इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आई माफ कर दीजिए, आई ये सब आपका है। साई सच कह रहे थे, इस घर की हर एक ईंट, हर एक सामान आपका है। यहां तक कि हम भी आपके हैं, चाहे तो आप हमें घर से निकाल दीजिए आई। हमें निकाल दीजिए। आई हमको भी माफ कर दीजिए, हमने आपको इतना परेशान किया, इतनी तकलीफ पहुंचाई, हमें माफ कर दीजिए आई, हमसे गलती हो गई। माफ कर दो आई, माफ कर दो आई, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो आई, माफ कर दो। माँ जी, इस बार इनकी आंखों में जो ग्लानी,
जो पछतावा दिख रहा है वो सच्चा है। आप इन्हें माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दो, आइए मैं माफ कर दो। माफ किया मैंने तुम दोनों को। मैंने माफ किया तुम सबको। साई, अब मैं समझी जरी का काम करने से क्यों मना किया था आपने। आप मुझे मेरे बेटों का असली चेहरा दिखाना चाहते थे, उन्हें उनकी गलतियों का एहसास कराना चाहते थे, उन्हें सुधारना चाहते थे। मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं साई, क्योंकि आपके आशीर्वादों को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। साई, मैंने कुछ नहीं किया माँ जी, सब उस मालिक का कर्म है। मैं तो केवल जरिया हूं। सोचो सारा, जब तुम इस संसार में पैदा हुए तो क्या अपना काम खुद करने लायक थे तुम? तुम्हें खाना खिलाने से लेकर तुम्हारी साफ सफाई तक सारा काम तुम्हारी आई ने ही किया है। ना तुम कमाते थे ना अपना ख्याल रखते थे, लेकिन तुम्हारी आई ने तो कभी तुम्हें घर से नहीं निकाला। नहीं, लेकिन तुम लोग, तुमने अपनी आई को घर से बाहर निकाल दिया और अब दोबारा भी यही करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि अब वो कमा नहीं सकती। ये जीवन एक चक्र है, पैदा होने के बाद समय बीतने के साथ साथ हम बड़े होते जाते हैं, आत्मनिर्भर होते जाते हैं हम, और हमारे माता पिता, हमारे पालनहार, वो उसी समय के साथ साथ बूढ़े होते हैं, निर्भर हो जाते हैं हम पर। और एक वक्त ऐसा आता है जब हमारे माँ बाप नन्हे बच्चों के समान हो जाते हैं, और तब बच्चों का फर्ज होता है कि अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनकी सेवा करें, उनकी जरूरतों का ध्यान रखें। दुनिया में माँ ही एक ऐसा रिश्ता है जो हमें बिना किसी शर्त, बिना किसी उम्मीद के प्यार करना सिखाता है, जैसे तुम्हारी आई। तुम लोगों ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया दर दर भटकने के लिए, लेकिन फिर भी तुम्हारी मां ने कभी तुम्हारी बुराई नहीं की, तुम्हारी बदसलूकी की चर्चा नहीं की किसी से, कभी तुम्हें दोषी नहीं ठहराया। पुत्र को पुत्र हो सकता है, लेकिन माता, माता कभी को माता नहीं हो सकती। ऐसी मां के साथ बुरा करने वाले को तो भगवान भी माफ नहीं करता है, पर हां, मां माफ करती है, और इसीलिए मां का दर्जा भगवान से भी बड़ा है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, समय है गलतियों को सुधारने का। मां का सम्मान करो, उनसे प्यार करो, क्योंकि जो अपनी मां की इज्जत नहीं कर सकता वो किसी रिश्ते की इज्जत नहीं कर सकता। हम वचन देते हैं साई, हम आई को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। मुझे उम्मीद है तुम लोग माँ जी का अच्छे से ध्यान रखोगे। इससे पहले कि कुछ और हो, मैं उसे ठीक कर देता हूं जो टूट गया है।
जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। से जुड़ गया है, इसे हमेशा ऐसे ही कायम रखना। माँ जी, जो वचन मैंने आपसे लिया था उससे मुक्त करता हूं आपको। अब आप जरी का काम फिर से कर सकती हैं, पर हां, केवल अपनी मर्जी से, किसी और की मर्जी से नहीं। जी भला करे। क्योंकि हम दोनों की परेशानी का हल हो सकता है। देखिए, मेरे पास सब कुछ है मगर समय नहीं है। मेरे लिए समय ही पैसा है और पैसा ही समय। और जो मैं 1000 रुपए दे रहा हूं, इसमें केवल मैं अपनी ही मदद कर रहा हूं। कारोबार से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है आज, और उसमें मेरा शामिल होना अनिवार्य है। आपको ये 1000 रुपए देकर मैं वहां 3-4 हजार रुपए कमा लूंगा। जीजा जी, साईं भी कहते हैं ना कि जरूरत पड़ने पर हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सहदेव ठीक कह रहा है। ये है वो 1000 रुपए, मगर ये आपके हाथ में तभी आएंगे जब आप मेरा काम सफलतापूर्वक कर देंगे। आपको साई से सबसे पहले मिलकर मेरे बेटे के लिए दवाई लेनी है। जीजा जी, इतना मत सोचिए, मान जाइए। मेरे कारण आप पर मुसीबत आई है। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और अगर आपने कुलकर्णी सरकार के एक बार पैसे दे दिए तो हम शांति से रह पाएंगे। पता नहीं साईं भी अचानक से कहां चले गए, मैं उनसे सलाह भी नहीं ले पाया। साईं वैरागी हैं, पैसों से वो हमारी मदद नहीं कर पाते, ये आप भी जानते हैं। इसीलिए तो शायद वो चले गए, ताकि हमारी भेंट नंद किशोर काका से हो। उनका हमसे यूं मिलना, हमें ये प्रस्ताव देना, ये सब साईं का प्रत्यक्ष रूप से मदद करने का तरीका है। आप हाँ कर दीजिए। जीजा जी, कम से कम एक बार आप ताई और उद्धव के बारे में सोचिए। आप और मैं, हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं, पर अगर सरकार ने हमें कारावास भिजवा दिया, इस घर को जब्त कर लिया, तो वो दोनों क्या करेंगे? वो दोनों कहां जाएंगे? दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी उन्हें। दिन के अंदर तुम्हें मेरे पैसे लौटाने होंगे, और वो भी पूरे के पूरे। यदि निर्धारित अवधि में तुम पैसे नहीं लौटा पाए तो मैं तुम्हारी एक एक वस्तु को नीलाम करवा दूंगा, और पुलिस को बुला के तुम्हारे पत्नी के भाई को नहीं,
तुम्हें उनके हवाले करूंगा। ठीक, मैं आपका काम करूंगा। शुक्रिया माधव जी। साई कब तक आएंगे? बस कुछ ही समय में आ जाएंगे वो। तब तक आप लोग दो पंक्ति बनाकर बैठ जाइए। हाँ जी प्री। मैंने साई को देखा, वो शिरडी लौट आए हैं और किसी भी क्षण यहाँ आते होंगे। सुना आप लोगों ने, अब आप लोग धैर्य रखिए। साई कहते हैं ना, श्रद्धा और सबूरी रखो। बिल्कुल ठीक कहा लक्ष्मी। माफ कीजिएगा, आप लोगों को मेरी वजह से इंतजार करना पड़ा। किसी को सख्त जरूरत थी मेरी, उसी से मिलने गया था मैं। हम जानते हैं साईं, आप किसी की मदद करने ही गए होंगे। आप लोग बैठ जाइए। साईं, साईं, आपसे कुछ जरूरी बात करनी। बात नहीं श्यामा, ये लोग तुमसे पहले आए हैं, अपनी बारी का इंतजार करो। लगता है आप सबसे पहले आई, आ जाइए। माधव, तुमने साई से बात की? साई से बात तो नहीं हुई, लेकिन वो कभी भी हमें दवाई देने के लिए बुला सकते हैं। अरे तो किस बात के पैसे दे रहा हो? आपको मेरे लिए काम करना ही होगा। राम जी भला करें, लक्ष्मी इसी पंक्ति के दूसरे व्यक्ति को बुलाओ। अब आप आइए। आइए, इस कतार में प्रतीक्षा करते हैं। साई यहां से लोगों को पहले बुला रहे हैं। लेकिन अब आपको सुनिश्चित करना है कि साई से 3 दिन की दवा देने के लिए मना ले। ठीक, आइए। तैयार रहिए, अगली बारी हमारी है। अब दूसरी पंक्ति से आप आ जाइए। ये क्या, बारी तो हमारी थी। साई ने हमें बुलाया क्यों नहीं? और आप कुछ कहते क्यों नहीं? मैं बात करता हूं। साई, इनका बेटा बहुत बीमार है। सबूरी श्यामा,
यहाँ सभी लोग अपनी समस्याएं लेकर ही आए हैं। अपनी बारी की प्रतीक्षा करो। क्या क्या कहा साई ने? उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। जरूर कोई ना कोई कारण है, वरना साई मुझे कुछ नहीं सुनना। अब मैं आपको एक पैसा नहीं देने वाला। आप पैसे पाने लायक ही नहीं है। जा रहा हूं मैं। काका सुनिए तो, मेरे लिए पैसा ही समय है और समय ही पैसा। आप आइए। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। साई वो सबरी शर्मा। साई आज ही मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? जैसे वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहते। क्या कहा साई ने? बोलो। अब हम दो लोग ही बचे हैं। आइए मैं साई से बात करता हूं। साई, इनको 3 दिन की मैं थोड़ी देर में आता हूं, तुम यहीं मेरा इंतजार करो। क्या मतलब है इसका? हाँ, आप तो दावा कर रहे थे कि साई आपके लिए सखा है, बंदूक की तरह है, और आप, अरे आप तो सीधे मुंह बात भी नहीं कर सकते उनसे। अब मैं आपको 1 रुपया नहीं देने वाला। और साई, हो सकता है कि उनके इलाज में कोई चमत्कार हो, हाथों में यश हो, और जहां तक मैंने महसूस किया है उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं है। अक्खड़ मिजाज है वो, जो उन्होंने कह दिया बस वही होना चाहिए। अगर लोगों की मजबूरी समझते ना तो मेरी भी समझते। मेरे बेटे के लिए कुछ नहीं किया है उन्होंने। आने दो उन्हें, आज तो मैं उन्हें खरी खोटी सुना के ही रहूंगा। आपने क्या मजाक लगा रखा है साई? आपके बारे में सुना कि आप लोगों की मदद करते हैं। ऐसी मदद करते हैं आप? मैं इतनी दूर से अपने बेटे के इलाज के लिए आपके पास आया और आप? आपने देखा उसकी हालत क्या है? अरे आपने हमें देख के अनदेखा किया, कोई मदद नहीं की आपने। आप इस तरह से साई से बात नहीं कर सकते। जिस तरह से साई ने हमारे साथ व्यवहार किया है, मैं ऐसी बात कह सकता हूं।
पहली दफा जब हम इनसे मिलने आए थे तब भी इन्होंने हमें जरा सा समय देकर रवाना कर दिया था। ये क्या समझते हैं कि हम इनसे मदद मांगने के लिए आए तो क्या ये हमें अपनी उंगलियों पे नचाएंगे? बोलिए साई। अरे बोलिए ना साई, आप मेरे बेटे का इलाज क्यों नहीं कर रहे? आपके बेटे का इलाज करने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन आपको तो उसकी फिक्र ही नहीं है। कल जब आप अपने बेटे को मेरे पास लेकर आए थे तो उसमें दमा के लक्षण देखे थे मैंने। एक ही बार में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। पुष्टि करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए ही आपसे कहा था, अनुरोध किया था कि 2-3 दिन के लिए शिरडी में रुक जाइए, क्योंकि मैं उसे अपनी नजरों के सामने रखना चाहता था। पर नहीं, आपको तो केवल अपने कारोबार, अपने व्यापार की ही चिंता है। हाँ हूं मैं व्यापारी, मुझे कारोबार की चिंता थी, लेकिन आप तो बिना भेदभाव के सबकी मदद करते हैं। कम से कम आप तो मेरे बच्चे के बारे में सोच सकते थे, लेकिन नहीं, आपने उसे दंड दिया क्योंकि मैंने आपकी बात नहीं मानी। और जब दवाई लेने की बारी आई तो आप उठकर चले गए, मुझे दवाई नहीं दी। यह आपको शोभा देता है? बोलिए, क्या यह आपको शोभा देता है साई? ये क्या कह रहे हैं आप? शायद आप जानते नहीं हैं कि आज सुबह शिरडी लौटते ही साईं सबसे पहले हमारे घर आए थे। आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। ठीक कैसे नहीं होता साईं? आप पहले भी सुबह सुबह आए, इसकी देखरेख की, ना जाने कौन सी जादुई औषधि आपने दी है जो इस पर इतनी जल्दी असर कर गई, और अभी भी आप दोबारा आए हैं। सच कहूं तो जितनी मेहनत आपने की है, जितने फिक्रमंद आप हैं, वो देखकर ऐसा ही लगा कि भानु की देखभाल आपने एक वैद्य की तरह नहीं बल्कि एक माँ की तरह की हो। बहुत बहुत धन्यवाद। पर अब आप माँ बेटे को कहीं और आना है, किसी और के इलाज के लिए। आप देखिए तो सही एक बार। वर्षों बाद आज मैं अपने बेटे को स्वस्थ देख रहा, न जाने कब से बीमार था ये। आपका बेटा भानु इसलिए बीमार था क्योंकि आप बीमार थे। अपना व्यापार, अपना कारोबार, अपना काम, इसके परे कभी आप कुछ देख ही नहीं पाए। आप तो अपनी पत्नी और अपने बेटे को यहाँ शिरडी में फिर से अकेले रुकने के लिए कह रहे थे, लेकिन आपका अपने बेटे के साथ होना ज्यादा जरूरी था। बच्चे को पालना केवल माँ की जिम्मेदारी नहीं होती, ये जिम्मेदारी माता और पिता दोनों को मिलकर उठानी चाहिए। आज सुबह भी जब मुझे आने में देर हो गई तो बाकी लोगों की तरह द्वारका माई में इंतजार करने के बजाय आप अपने सहयोगी के घर चले गए अपने काम की बात करने के लिए। और जब आपको लौटने में देर हो गई तो घर जाने के बजाय आप सीधे मेरे पास आ गए। अगर घर जाते तो आपको पता चल पाता कि आपका प्यारा बेटा पहले से बेहतर है, उसकी तबीयत ठीक हो रही है। क्या आप जानते हैं, आप पैसे के लिए काम करते हैं,
आप काम के लिए काम करते हैं लेकिन अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए काम नहीं करते आप। आज से कुछ साल पहले जब आपका बेटा भानु बीमार पड़ने लगा तो आपकी पत्नी ने अकेले ही उसके इलाज की जिम्मेदारी उठाई। उससे जो भी बन पड़ा वो घरेलू इलाज उसने किया, पर जब तक आपके बेटे की तबीयत गंभीर नहीं हो गई उसे वैद्य या हकीम के पास ले जाने का समय नहीं निकाल पाया। जब जीवन में दुख का न्यारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से मुझे माफ कर दीजिए सर, अपनी झुंझुलाहट के कारण न जाने मैंने आपको क्या क्या कह दिया, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं है। जब आप मेरे बेटे का पहले से ही इलाज कर रहे थे तो आपने मुझे अनदेखा करने का नाटक क्यों किया साई? साई आपके विषय में जो भी कह रहे हैं बिल्कुल उचित कह रहे हैं। आप जानते हैं पिछले 2 वर्षों में आपने हमारे साथ घर पर केवल 17 बार भोजन किया है, दिन गिनकर रखी हूं मैं, और इस बार तो दिवाली पर भी आप देर रात तक काम करते रहे। आप जानते हैं हर रात आपके बेटे का आखिरी वाक्य क्या होता है? यही कि बाबा कब आएंगे। नंद किशोर जी, अपने बेटे को ये एहसास मत कराइए, उसे ये महसूस मत होने दीजिए कि उसका पिता उसके साथ नहीं है, उसके पास नहीं है, उससे मिलने नहीं आता। वो दिन मत आने दीजिए कि आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके मित्रों को ये लगने लगे कि आप उनके साथ नहीं है और वो आपके बारे में पूछना छोड़ दें, आपका इंतजार करना छोड़ दें। हाँ, ये सच है कि अपने बच्चों को पैसे का महत्व सिखाइए, लेकिन उससे ज्यादा समाज और रिश्तों का आदर करना सिखाइए, एक अच्छा उदाहरण बनकर। आपने मेरी आंखें खोल दी साई, मैं बहुत बड़ी भूल कर रहा था। आप घबराइए मत, मैं आपके पैसे दे दूंगा। पैसे? श्यामा, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि तुम किसी की सिफारिश कर सकते हो? क्या इतने सालों में भी तुमने कुछ नहीं सीखा? क्या तुम जानते भी हो जो तुम कर रहे हो उसे क्या कहते हैं? रिश्वत, रिश्वत कहते हैं उसे। नहीं साई, नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साई, बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं साई, इसमें जीजा जी की नहीं, गलती मेरी है। उस दिन कुलकर्णी सरकार के वहां सहदेव, ये
दिन के अंदर तुम्हें मेरे पैसे लौटाने होंगे और वो भी पूरे के पूरे। यदि निर्धारित अवधि में तुम पैसे नहीं लौटा पाए तो मैं तुम्हारी एक एक वस्तु को नीलाम करवा दूंगा और पुलिस को बुला के तुम्हारे पत्नी के भाई को नहीं तुम्हें उनके हवाले करूंगा। आप और मैं हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं, पर अगर सरकार ने हमें कारावास भिजवा दिया, इस घर को जब्त कर लिया, तो वो दोनों क्या करेंगे? मुझसे गलती हो गई साईं, ये सब मेरी वजह से हुआ, मुझे माफ करिए आप। नहीं साईं, इसमें गलती मेरी भी है। अगर सहदेव ने प्रस्ताव स्वीकार कर भी लिया था तो भी मुझे इसकी बात नहीं माननी चाहिए थी। मैंने कैसे सोच लिया कि आपके पास कोई किसी की सिफारिश लेकर आ सकता है? मैं बहक गया था साईं, अपनी परेशानियों में अपना विवेक खो बैठा था मैं। लेकिन साईं, मैं अपने लिए चिंतित नहीं था, मैं उद्धव और पामा के लिए चिंतित था। बस उसे एक पल मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं, और मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई साईं। कुछ माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए साईं, क्षमा कर दीजिए। मुझे उस तालाब के पास ले चलो। हाँ, साईं, मेरे लिए क्या आदेश? जब तक आवश्यक है मैं अपने बेटे के साथ यहां अवश्य रहूंगा। आपका बेटा भानु अब पूरी तरह से ठीक है, स्वस्थ है ये। आप अपने परिवार के साथ अब गोपर गांव जा सकते हैं। चलो। साई, बच्चों ने यहीं पे नाव चलाई थी, मतलब सारे रुपए यहीं पे डूबे हुए हैं। अब उन्हें वापस लाना संभव नहीं है साई।
जिसकी अमानत है जाकर उसे लौटा दो। शुक्रिया साईं। राम जी भला करे। आज सुबह साईं ने मुझसे कहा कि मैं यहां खड़ा रहूं तो मेरी पत्नी का हार मुझे सरकार से वापस मिल जाएगा, लेकिन यहां खड़ा रहने से हार कैसे मिलेगा, ये कैसे संभव है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी पत्नी का हार दीजिए, ये मेरी पत्नी का हार है। ये मेरा है क्या? हाँ, मेरी पत्नी का हार है। ये आपका कैसे हो सकता है? इसे मैंने खरीदा है। देखिए, शायद आपको कोई धोखा हुआ है। दीजिए। नहीं नहीं, आप मेरे यकीन कीजिए, ये हार मेरा है। ये हार मेरी स्वर्गीय पत्नी की आखिरी निशानी है। मैं इसे पहचानने में कोई धोखा नहीं खा सकता हूँ। देखिए, इस हार पर मेरा नाम भी अंकित है। मैंने कुलकर्णी सरकार के पास ऐसे गिरवी रखा था, लेकिन जब छुड़ाने गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कोई हार था ही नहीं। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। ये हार तो मुझे कुलकर्णी सरकार के नुमाइंदे ने ही बेचा था। मुझे पता है कि आगे क्या करना है। लाइए, ये हार मुझे दीजिए और चलिए मेरे साथ। आप यही रुके, मैं अभी आता हूं। जी। चलिए। अगर तुम लोग यहां पर और समय मांगने के लिए आए हो तो जिस गति से आए हो उसकी दुगनी गति से यहां से चले जाओ। 2 दिन का समय है तुम लोगों को पैसा लौटाने के लिए। अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा, एक क्षण भी नहीं। जाओ यहां से। सरकार, हम समय बढ़ाने नहीं बल्कि आपके पैसे देने आए। पूरे 1,000 रुपए लाए हो? जी, पूरे 1,000 रुपए। यह कैसे संभव है? इतने पैसे ये लाया कहां से? किसने दिए होंगे इन्हें? मेरे कहने का आशय ये है कि रुपए कागज के है ना, क्योंकि इन्हें लाने के लिए मैं शहर गया था। तुम्हारे सिक्के नहीं लेने वाला मैं। सरकार, हम कागज के रुपए ही लाए। सदे जी सरकार। तीनों सरकार, इसमें 10 रुपए कम है।
लगता है तुम दोनों की स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है। मुझे पूरे 1000 रुपए चाहिए, 10 रुपए कम है इसमें। सरकार वो तो आप ही के पास है ना, जो आपने गोविंदा से ली थी। हाँ ठीक है ठीक है, अपना रास्ता नापो, मुझे और भी बहुत काम है, जाओ यहां से। कुलकर्णी सरकार, हमें भी आपसे जरूरी काम है, उसे तो पूरा करके जाइए। अरे आप यहां? सरकार आपके एक आदमी ने यह हार बेचा था मुझे, ये कहकर कि वो हार आपका है, जबकि वो हार आपका नहीं था। और ये आदमी उस हार को देखकर ये दावा कर रहा है कि वो हार इसका है। असंभव, दिखाइए तो। ये लीजिए, ये मेरा ही हार है, देखिए इस हार पर मेरा नाम भी अंकित है। हरिओम हरिओम, आप सच कह रहे हैं, जरूर मुझसे कोई भूल हो गई है, चूक हो गई है। क्या है ना कि ये गांव वाले मेरे पास अपना सामान गिरवी रख के जाते हैं, कभी कभार गड़बड़ हो जाती है। हरिओम। अच्छा, तो फिर आपको उस हार को बेचने का अधिकार नहीं था। चलिए लाइए, मुझे मेरे पैसे दीजिए। हाँ, कुल मिलाकर आप 330 रुपये दे दीजिए। लाइए, दीजिए। इतने पैसे हमारे सरकार नहीं देंगे। अच्छा, तो इसका फैसला पुलिस आकर करेगी। हरिओम हरिओम, ये कैसे फांसा पलटा? थोड़ी देर पहले माधव को मैं पुलिस से डरा रहा था, अब तो मुझे ये डरा रहा है। इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कोई ना कोई तो रास्ता मुझे ढूंढना ही होगा। अरे जाइए जाइए, हमारे सरकार किसी से नहीं डरते। धूर्त, अपनी चूक छुपाने के लिए ये तर्क दे रहा है, तू विवाद कर रहा है। तूने ही हार बदला है। और जब नंद किशोर जी सच कह रहे हैं तो उन पर चिल्ला रहा है तू? तुम्हें तो बाद में देख लूंगा मैं। 330 रुपए निकाल। कथा कहीं का लीजिए, पैसे दीजिए। क्या है ना कि इस मुनीम की वजह से यह सब हुआ। दरअसल मुझे इस पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए था। लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि शोभा की शादी से पहले ही कुलकर्णी सरकार अपने हाथों से राम भाव की अमानत उनकी पत्नी का हाथ उन्हें वापस लौटा देंगे। क्योंकि उन्होंने जरूरत से ज्यादा तुमसे राशि ब्याज के तौर पर ली थी और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया। इसे अपना मुआवजा समझ के रख लो और जाओ अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करो। मैं आपके एहसान तले दब गया हूं नंद किशोर जी, आप मेरे लिए देवता बनकर आए हैं। देवता मैं नहीं, साईं है। एहसान है उनका क्योंकि उन्होंने ही मुझे सही मार्ग दिखाया। साईं, आज ही सुबह यहां पहुंचा हूं। मेरे जाने के बाद जो कुछ भी यहां हुआ दामाद जी ने मुझे सब बताया। अजीब बात है सर, पिता हूं फिर भी अपने बेटे की तकलीफों को कभी नहीं समझ सका, हमेशा इसे गलत समझता रहा। यहां तक कि ये बंद कमरे में
सालों घुटता रहा, तड़पता रहा, और मैं इसकी परेशानियों को समझने की बजाय इसे उल्टा सीधा बोलता रहा। साई, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं दोषी हूं। यदि इतना सख्त स्वभाव का व्यक्ति मैं ना होता तो मेरा बेटा सहदेव अपनी समस्याओं के बारे में मुझे बताता, उसे छुपाता नहीं। साई, मैं दोषी हूं। अगर माता पिता अपने बच्चों से सख्ती से पेश आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे गलत राह पर चलने लगें। अपनी परेशानी के बारे में उन्हें अपने माता पिता से खुलकर बात करनी चाहिए। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले, संसार के सामने अपने दोषों को, अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को बताना, उन्हें स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत हिम्मत चाहिए होती है इसके लिए, और इससे भी कहीं अधिक मुश्किल होता है अपनी उन गलतियों, उन कमियों को सुधारना। और जो कोई भी ऐसा कर ले, समझ लो उसने अपने अहंकार, अपने क्रोध, लोभ, मोह, झूठ, भय और अज्ञानता के अंधेरे को चीरकर ज्ञान और सच के प्रकाश को पा लिया है। और ऐसा ही किया है आपके बेटे सहदेव ने। आपको गर्व होना चाहिए इस पर, आपको खुशी होनी चाहिए कि आपको ऐसा बेटा प्राप्त हुआ है जिसमें संसार के सामने अपनी कमियों, अपनी गलतियों को स्वीकार करने की हिम्मत है, जो अपने दोष को छुपाने की कोशिश नहीं करता। उसने हिम्मत के साथ स्वीकार किया उन्हें, डरा नहीं वो। और अब यही परिवर्तन इसके नए जीवन की शुरुआत है। साईं, बहुत बहुत शुक्रिया। जी भला करें। अच्छा साईं, अब हम चलते हैं, आज्ञा दीजिए। चलो बेटा, घर चलते हैं। चल। चित्रकार हो? हाँ, अभी तो शुरुआत ही कर रहा हूं। मैंने पुणे के एक चित्रकार आपटे जी से ये कला सीखी है, और ये मेरा पहला चित्र है। शहरों में तो लोग ये चित्रकला देखते रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं गांव में आकर अपना ये चित्र लोगों को दिखाऊं और उनसे उनके सुझाव और उनकी राय लूं। लोग तुम्हारे चित्र के बारे में क्या सोचते हैं ये जानना जरूरी क्यों है तुम्हारे लिए? चित्र तो एक चित्रकार का दृष्टिकोण होता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने जो सोचा उसे दर्शाने में सफल रहे तो चित्र अच्छा है, पर अगर तुम्हें लगता है तुम जो बताना चाहते थे वो दिखाने में सफल नहीं हुए, खुश नहीं हो, तो चित्र अच्छा नहीं है। इसके अच्छे या बुरे होने का फैसला ये दूसरों के हाथ में कैसे हो सकता है? आप एक बैरागी लगते हैं, आप नहीं समझेंगे। समझने की कोशिश तो कर ही सकता है इंसान। बिना कदरदान के कला का कोई अस्तित्व है क्या? अरे, इसकी कोई कीमत नहीं होती, वो किसी काम की नहीं होती।
तुम्हें जिस आत्मविश्वास की आवश्यकता है, ईश्वर करे वो तुम्हें मिल जाए। आत्मविश्वास प्रशंसा से मिलेगा, और प्रशंसा तब मिलेगी जब लोग मेरा ये चित्र देखेंगे, और लोग मेरा ये चित्र तब देख पाएंगे जब आप मेरे चित्र के सामने से हटेंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मुझे लगता है कि मुंह पर ना तो कोई सच्ची निंदा कर सकता है और ना ही कोई सच्ची तारीफ। यही कारण है कि मैं पेड़ के पीछे छिप के देखता हूँ कि लोग मेरे चित्र के बारे में क्या सोचते हैं। अरे चंदू, यहाँ ना। हाँ अभी आया। अरे चंदू, ये पढ़ के बताना तो सही, इसमें लिखा क्या है? इसमें लिखा है, मैं चित्रकारी में नया हूँ, अपनी कला को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरा बनाया चित्र अच्छा है, तो सामने रखे एक कटोरे में लाल कंचा डालिए, और अच्छा ना लगे तो दूसरे कटोरे में नीले कंचे डालिए। धन्यवाद। बुराई करने जैसा तो इसमें कुछ भी नहीं, मुझे अच्छी लगी। लोग कौन सा कंचा डाल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। किस बात से दुखी हो? मुझे लगा था कि मेरे बनाए इस चित्र की लोग तारीफ करेंगे, परंतु इन कंचों को देख के लगता है कि लोगों को मेरा काम पसंद नहीं आया। मेरे आत्मविश्वास को बहुत गहरी चोट पहुंची। तुम्हें जो करना था वो कर चुके तुम, अब वो करो जो मैं कहता हूं। इस पर एक नया संदेश लिखो। लिखो कि जिन लोगों को भी लगता है कि चित्र में कोई कमी है, वो उस कमी को सुधार कर तुम्हारी मदद करें। लेकिन इससे क्या होगा? करके खुद देख लो। इस माँ की कमाई मात्र 660 रुपए और 8 आना है। हरिओम हरिओम। शिरडी के हीन दीन लोगों को ऋण देकर इससे अधिक आय की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। ऐसी मेरी आर्थिक प्रगति रही
तो ना ही मैं जगत सेठ बन जाऊंगा और ना ही केशव को लंदन भेज पाऊंगा बैरिस्टर बनने के लिए। और केशव को देखो, उसकी शिक्षा पर इतना धन व्यय कर रहा हूं, लेकिन ये मूर्ख गांव वालों के साथ रहकर और मूर्ख बनता जा रहा है। ए विष्णु, धन की बारिश हो, ऐसा कोई सुझाव दो, उपाय दो। सरकार। और मेरी अनुमति के बिना आपने मेरे वाड़े में प्रवेश कैसे किया? अंता, पहचाना नहीं मुझे? कौवे? अरे श्याम बंदर! मेरे मित्र! कैसा है तू? बहुत अच्छा। दादा, क्या हो रहा है? अरे ये मेरा मित्र है श्याम सुंदर। जब मैं वैद की शिक्षा प्राप्त कर रहा था, उस समय का मेरा दोस्त है, सबसे अच्छा दोस्त श्याम सुंदर। अच्छा अच्छा। अरे गधो, देख क्या रहे हो? मेरे मित्र के खान पान की व्यवस्था करो, जाओ। बैठो बैठो बैठो। बताइए मुझे, कौवा क्यों कहता था? क्यों? क्योंकि हर समय ये कौवे कितने चिल्लाता ही रहता था, काओ काओ। तब से? मतलब अब भी? जब भी करो। और मैं इसे बंदर कहता था, शाम बंदर। देख बंदर की तरह दिखता है कि नहीं? श्याम सुंदर, बड़ी प्रसन्नता हुई तुझसे मिलकर। हाँ, मुझे भी। सुना है वैदगिरी छोड़ के तुमने निर्माण कार्य का व्यवसाय शुरू कर दिया है? हाँ भी और ना भी। मतलब? ये सच है कि मैंने निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है, पर ये सच नहीं है कि मैंने वैदगिरी छोड़ दी है। कि वो तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। मैं दोनों हाथों से धन कमा रहा हूं। पूछेगा नहीं कैसे? कैसे? मैंने कुछ वैद्यों को अपने यहां पर नौकरी दे दी है, मरीजों के इलाज करने के लिए। वो मरीजों का इलाज करते हैं और मैं निर्माण कार्य पे अपना ध्यान केंद्रित करता हूं। यानी दोनों हाथों से धन कमाता हूं।
धन कमाने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है कौए। जीवन में आए हुए हर मौके को लपकना पड़ता है, समझा? हाँ। अरे खंडू बहू, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है, जिसे भी लगता है कि इस चित्र में कोई कमी है, वो उसे ठीक करके मेरी मदद करे। धन्यवाद। इसमें ठीक करने जैसा कुछ भी नहीं लगता है, ये तो बहुत अच्छा चित्र है। मुझे भी कोई कमी नजर नहीं आ रही इस चित्र में। सच में, जिसने भी चित्र को बनाया बहुत सुंदर बनाया है। हाँ सच में, बहुत सुंदर है। मुझे तो लगता है इसे ठीक करने से बेहतर है कि हम इस पे काला टीका लगा दें, ताकि किसी की नजर ना लगे। सही कहा वही नहीं आपने। सिर्फ शब्दों से लोगों का नजरिया इतना कैसे बदल गया, जबकि चित्र तो वही है। किसी की भी कमी निकालना, बुराई करना ये आसान होता है, कोई भी कर लेता है, लेकिन किसी की गलती सुधारने का काम ये थोड़ा मुश्किल है, इसलिए कोई भी नहीं करना चाहता। पर यही सच है हमारे समाज का, बुराई आलोचना ये सब कर लेते हैं, लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि जिसकी बुराई कर रहे हो उसकी जगह आकर बदलाव का रास्ता दिखाओ, तो कोई भी नहीं आना चाहेगा। पर मैं अपनी इस कला में बेहतर कैसे हो पाऊंगा अगर मुझे पता ही ना चले कि लोग मेरे काम के बारे में क्या सोचते हैं। किसी भी कमी को सुधारने का, किसी भी काम को बेहतर तरीके से करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो कुछ भी करो अपने दिल से करो। किसी और को दिखाने के लिए, किसी दूसरे को खुश करने के लिए नहीं, सबसे पहले अपने आप को खुश करो, क्योंकि अगर तुम खुश होगे तो बाकी लोग भी खुश हो जाएंगे। अगर कोई काम तुम्हें अच्छा लगेगा तो बाकी लोगों को भी अच्छा लगेगा। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोग तुम्हारे काम को नापसंद करें, तुम्हारी बुराई करें, आलोचना करें, कुछ लोग सुझाव भी देंगे। जिस किसी से भी सीख सकते हो सीखो, अपने मन को खुला रखो। अगर सुझाव चाहते हो तो अच्छे और बुरे दोनों तरह के सुझाव के लिए तैयार रहो। अभ्यास करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि अभ्यास से ही सफलता संभव है। गलतियों से डरो नहीं, क्योंकि गलतियां ही हमें सिखाती हैं कि सही क्या है। और हां, सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आत्मविश्वास की ऊर्जा किसी और को मत बनने दो। ईश्वर ने तुम्हें हुनर दिया है, इस हुनर की इज्जत करो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं दूसरों की वाहवाही से अपना मूल्य लगाना चाह रहा था, परंतु अब नहीं, अब मैं अभ्यास करूंगा। शुक्र है कि मैं आपसे मिल सका, आपने मेरी दिशा ही बदल दी। दिशा नहीं बदली है, सही दिशा दिखाई है। बदलना तो तुम्हारे हाथ में है। धन्यवाद। राम जी भला करें। अरे मैंने तो उनका नाम ही नहीं पूछा।